बिग बॉस ओटीटी 3 के लाइव फीड में हमें देखने के लिए मिला। यहाँ पर जादुई कुएं का टास्क चल रहा होता है, जहाँ पर रणवीर के बाद अरमान मलिक अपनी विश मांगने के लिए एक्टिविटी एरिया में पहुँचते हैं, जहाँ पर बिग बॉस उन्हें भी बताते हैं कि अरमान यहाँ पर जितनी चाहे उतनी विश मांग सकते हैं, लेकिन उन्हें उसके लिए कंटेस्टेंट के पर्सनल सामान को लेकर आना होगा और उसे कुएं में डालना होगा। पहले अरमान मलिक जैसे ही बाहर जाते बाकी सभी कंटेस्टेंट सचेत होते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा सामान तो हासिल नहीं कर पा रहे होते। यहाँ पर कृतिका अरमान को छोड़ती नहीं है, वहीं साई केतन राव भी अरमान मलिक के आजू बाजू घूम रहे होते हैं। फिर भी अरमान जैसे तैसे करके साई केतन राव का शेकर लाने में कामयाब हो जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर अरमान साई केतन राव का शेकर देकर उसके बदले में विश मांगते हैं कि उन्हें बिग बॉस के घर का कैप्टन बनना है, और यहाँ पर वो ये भी कहते हुए नजर आए कि सभी घर वाले उनकी बात माने, ऐसी उनकी विश है। आपको बता दें, अरमान मलिक के बाद लवकेश कटारिया की टर्न आती है, जो कि सना मकबूल और शिवानी को चकमा देकर एक्टिविटी एरिया में पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर लवकेश कटारिया को भी बिग बॉस बताते हैं कि उन्हें कंटेस्टेंट्स का पर्सनल सामान लाना होगा और वो जितनी चाहे उतनी विश मांग सकते हैं। सबसे पहले लवकेश कटारिया जाकर शिवानी का जूता लाने में कामयाब होते हैं, लेकिन लव को ये पता नहीं होता कि वो शिवानी का शू है, जिसके बाद में वो कंफर्म करते हैं। और पहले विश तो वो ये मांगते हैं कि उन्हें वीकेंड के बार एपिसोड में अपने घर वालों से बात करनी है। मैंने आप पर लवकेश बिग बॉस से ये भी सवाल करते हैं कि क्या वो एक बार और जाकर सामान ला सकते हैं दूसरी विश मांगने के लिए। यहाँ पर बिग बॉस उन्हें बताते हैं कि उन्हें जितनी विशेस मांगनी है एक ही बार में मांगनी होगी। ऐसे में लवकेश कटारिया वापस से जाते हैं और सना सुल्तान की ज्वेलरी लाने में कामयाब होते हैं, और वो विश मांगते हैं कि लंच की ड्यूटी जो है वहाँ पर नेजी और विशाल की ड्यूटी की जगह चंद्रिका की ड्यूटी लगे खाना बनाने में। यहाँ पर लव ये भी कहते हुए नजर आए कि खाना अभी अच्छा बन रहा है, लेकिन वो बेटर खाना चाहते, इसलिए वो चाहते हैं कि चंद्रिका को खाना बनाने की ड्यूटी मिले। बल आपका अरमान मलिक और लवकेश कटारिया की मांगी इन विशेष पर क्या कुछ है कहना, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।